नमस्कार, अंबुनिधि न्यूज में आपका स्वागत है। बाप ने की बेटे की बेरहमी से हत्या। मामला यमुनानगर के औरंगाबाद गांव का है, जहां पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक व्यक्ति ने 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर उसे पोल्ट्री फार्म के पीछे खेतों में फेंक दिया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। एक पिता ने जिस बच्चे को पालने का वादा किया था, उसी को खुद उतार दिया मौत के घाट। मामला यमुनानगर के औरंगाबाद का है, जहां एक सौतेले बाप ने अपने ही 5 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो उसके और उसकी पत्नी के बीच एक कांटा बन गया था और उसी कांटे को निकालने के लिए पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले विजय नाम के कर्मचारी पर भूत सवार था और उसने 5 साल के अपने बेटे मनीष को मारने की योजना बनाई और देर रात मनीष को पहले पीटा, यहां तक कि उसकी बाजू तक भी तोड़ डाली और उसे खेतों में फेंक दिया और उसके कपड़े भी मौके पर जला दिए। इस घटना के बारे में बताते हुए पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी ने बताया कि रात को विजय करीब 1 बजे अपने बच्चे को पोल्ट्री फार्म से उठाकर ले गया और एक बोरी में बच्चे के कपड़े भी थे जो उसने जला दिए और खेतों में जाकर बच्चे का मर्डर कर दिया। पहले भी उसने 2 बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको समझाया था कि बच्चे को मत मार, लेकिन इस बार उसने बच्चे को ख़त्म कर दिया। सौतेला बाप था। अभी 4 महीने पहले नेपाल से उसकी माँ और इसे लेकर आया था। रात को 1 बजे 12 बजे उठ के उसने बच्चे को ले गया। कौन ले गया? क्या नाम उसका? क्या नाम उसको? अरे जैसे बाप का नाम, बाप का नाम क्या है? उसको बाप का नाम यार। उसका बाप का नाम कौन नाम यार? जीते तो ले गया बच्चे को 12 बजे उठा कर ले गया यहाँ से, ठीक है। वो मंदिर में वहाँ से सीता ले गया, बोरी में कपड़े उपड़े था, कपड़े उपड़े भी जला दिया उसने, बच्चे के बीच गन्ने में ले जाके मछली में पकड़ के उसको मार दिया। वो मुख से खून निकल रहा था बच्चे का। तो क्या वैसे पूजा पाजा करता था या क्या करता था? नहीं, ऐसे बच्चे को देख नहीं सकता था वो। हमने भी 2 बार हुआ ये, एक बार तो समझाया, उसने कसम खाया था आज के बाद नहीं करूँगा, है ना, हमने माफ़ कर दिया। फिर तीसरा दिन ऐसे हुआ, यानी कि 2 बार वो पहले कर चुका है ऐसी हरकत, तीसरी बार करी है इसको। ये बार नहीं, इसने खत्म कर दिया बच्चे को, अपने ही बच्चे को मार दिया। नहीं, इसका अपना बच्चे नहीं है, इसका मतलब इसका घर वाला पहले दूसरा घर वाला था उसका। अच्छा, अब उसने वहाँ से नेपाल से भगा के ले आया था इसको। अच्छा, कितना जानते हैं, लेकिन इसका जो बच्चे है ना, इसका घर वाला दूसरा है। बच्चे का बाप अलग, बाप का माम वही है, बाप अलग है। तो यानी कि सौतेला बाप हुआ, सौतेला बाप ने मार दिया। आज 5:30 सुबह टेलीफोन आया था कि औरंगाबाद में इंद्रजीत का एक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर एक आदमी ने अपने लड़के की हत्या कर दी है। तो मौके पे हम पहुँचे हैं, मौके पे बच्चे को देखा और उसके बच्चे की माँ के बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो आरोपी है उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया। सौतेला तो वो यही चाहता था कि तू तो मेरी ज़िंदगी में कांटा बनेगा, इस करके उसको रंजिश रखता था। ये बात सामने अभी तक है, प्राइमरी यूनिवर्सिटी के सामने। किस वजह से? ये नेपाल में, किस वजह से मारा गया इसको? कोई यहाँ पर करीब 1 महीने से औरंगाबाद में पोल्ट्री फार्म पे काम करने के लिए आई है। तो था कि वो सौतेला बाप था इसका, और यही कारण अभी तक तो यही कारण सामने आया। तो यहाँ कुछ ना मौके पर जला हुआ सामान मिला, क्या वो तांत्रिक क्रिया तो नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद अगर कोई ऐसी बात आएगी वो सामने आएगी। ऐसा कुछ नहीं अभी तक सामने आया, कोई निशान अभी तक नहीं आया उसमें, तो अभी तक तो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। ये अभी तक तो ये आया कि उसके चोटें उसने मारी थी, बाजू उसकी तोड़ी हुई थी और गले में गला दबा करके ही पता लगाया था। उसको शीघ्र गिरफ्तार। सर, ये शादी इसने कब की थी? री मैरिज ये करीब 4 महीने पहले।